Hello, sorry, network error. Hi, once again. How are you guys? कैसा चल रहा है? कैसे हैं आप लोग? Hi, Laura. Hi, Vaibhav. Oh, hello, Devolina Diary. Hello, everyone. Veera, I'm very good, recovering, and thank you so much for all your gifts, definitely. And thank you everyone for all the love and support. Seriously, it means a lot. And this work, I'm going through a phase where I'm not well. So the way you all are taking care of me and giving me all this strength means a lot. Thank you so much, everyone. Hi, Lachi. Hi, Amit. Thank you so much for the cake. I got it. And it's beautiful, trust me. Both Veera and Amit. The cakes are beautiful. Thank you, Shushmita. Hi, Karima. Chetna, hi. Of course, as soon as I get well soon, of course, I'll get back. Definitely, I will return. Hi. Hi, Namrata. Hey, hi, Namrata. How are you? Tanu Sharma. Hi, hello. Hi, Avinash. एंजल, एंजल कहाँ है? एंजल को दे दो मुझे. चल 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 गो गो थैंक हमारे यू पास अब सो पैसे मच. ना चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ एंजल, आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ. कम 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 चलो. सी द फैंस वांट टू सी यू. से हाय, से हाय. ओ मुलो बोबो, ओ चोचुई. सी, से हाय टू एवरीवन. से हेलो टू एवरीवन. बोलो 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 बोलो, हेलो बोलो सबको. हाय, से हाय. हाय वीरा भैया को, हाय बोलो. हाय वीरा. क्वेश्चंस ओके गाइस, सो आई एम हियर टुडे इट्स बिकॉज आप सबको पता है 1 मिलियन हो गया है. एंड थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ आप सबने जो मुझे प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, एंड जो 1 मिलियन हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग टू यू ऑल. बस सो आप सब मुझे आप जो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. और वेट कर रही हूँ आप सबके क्वेश्चंस के, सो दैट मैं आप सबके सवालों के, आई नो कि मैं बाहर आने के बाद भी मैं इंटरव्यूज भी नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड ऑल. सो या अभी यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस एंड आई एम हियर. श्योर, ऑफ कोर्स बिग बॉस जरूर आऊंगी. आई एम रिकवरिंग वेरी फास्ट इन फैक्ट. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर प्रेयर्स. आप सब ने जो प्रेयर्स किए हैं. एंड वंस आई एम फाइन, फिट एंड फाइन, आई विल गेट बैक. ओ एम जी जितेश, सून, वेरी सून. थैंक यू कुणाल. ओ थैंक यू विंग्स. ओके, हाय 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 एवरीवन. सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, प्लीज क्वेश्चंस पूछिए. आपकी हेल्थ कैसी है? मेरी हेल्थ पहले से बेहतर है एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ दिनों में एकदम फिट एंड फाइन हो जाऊंगी. हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन साथी में ना साथी? ओ इट वाज फैब, इट वाज ऑसम. लव्स ऑफ लव फ्रॉम गुजरात, थैंक यू सो मच. हाउ स्वीट मिनती, थैंक यू सिद्ध माथुर. आई विल श्योरली ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट. ओ एम जी रहेला, आई लव यू टू शुभम. इनफैक्ट आई लव यू ऑल. एंजल अंशी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी. एज सुन एज आई फील कि मैं अभी घर के अंदर आ सकती हूँ और मैं एकदम, मेरे डॉक्टर मुझे परमिट्स कर देंगे आने के लिए, मैं आ जाऊंगी. आई एम बिगेस्ट फैन फ्रॉम पाकिस्तान. इट्स लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू एवरी वन. ओके गाइस, सो यू टेल मी ना. आप लोग तो इतना मुझे कुछ पूछ नहीं रहे, लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस. व्हाट यू फील अबाउट माय बिग बॉस जर्नी और व्हाट यू फील अबाउट माय कनेक्शन विद रश्मि? एंड दो आई नो आप सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं हर चीज के लिए, हर एक सिचुएशंस के लिए.
But still, if you can ask me about anything, I'm here to answer you. अजय ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं दे सकती. साथी माना साथिया टू कब आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको स्टार प्लस और रश्मि मैम ही दे पाएंगे. आसिम, आसिम के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा है, आसिम को भी कहा है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. जो मुझे उनके बात पसंद नहीं थी वो ये थी कि वो बहुत ज्यादा यू नो टेम्परमेंट हो जाते हैं कभी कभार टास्क के टाइम पे स्पेशली. बट ठीक है, होता है कभी कभार, मे बी यंग है तो टास्क के दौरान. एंड ऐसा तो नहीं है कि हम सब ने पहले बिग बॉस किया, दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस हर किसी का है, तो हर किसी के पर्सपेक्टिव, हर किसी के तरीके अलग है. बट रेस्ट ही इज वेरी केयरिंग. व्हेन आई वाज नॉट वेल तो इनफैक्ट ही वाज द वन जो मेरे बैक का बहुत ध्यान रखते थे. आसिम इज द वन. सो आफ्टर लाइक रश्मि डेफिनेटली. सो या वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. जो मैंने वहां पे बोला है कि वहां पे अगर सबसे अच्छा दोस्त किसी का कोई बन सकता है, दैट इज आसिम. दिस इज व्हाट आई फील. Please do a tutorial of your eye makeup. I'll do that. I'll surely do that. Soon we'll do that and I'll let you know. चलो एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम questions के बौछार करें, मैं आप पे questions के बौछार करूँ, आप करो, उससे पहले आज हम लोग जो मेरे लिए प्यारे प्यारे दो केक्स आए हैं, I want to you know cut it with all of you so that ये जो special moment है ये हमारा special और बन जाए आप सबके साथ cake cutting करने के बाद. So I'll show you. Happy 1 million family, Insta family. 1 million. Happy 1 million. Insta family. To Devolina, hi Devolina. Angel. So, this is to all my like Insta family. सबसे पहले आप सबके लिए केक है एंड देन डेफिनेटली आई विल शेयर दिस हैप्पीनेस विद माय मॉम. मुझसे ज्यादा बड़ी केक तो ये बन गई है. इट सीम्स लाइक एवरीवेयर शी इज देयर. ओके आई कांट फॉरगेट लाइक ओए दिस इज हाउ शी बिहेव नाउ व्हाट टू डू यू टेल मी व्हाट टू डू. कपड़ा दिल ना ब्लो द कैंडल्स. कैंडल ब्लो. अरे बाप रे, होंगे ही नहीं. एनीवे यस, सो आई एम बैक. सीट के साथ मत रहो. ओके, मिसिंग योर ओएमजी क्वीन ऑफ. थैंक यू सो मच वैभव. थैंक यू सो मच निहाल, शेख निहाल. थैंक यू गुलाटी सिल्वी. थैंक यू. आई एम बेटर. आई एम मच बेटर देन बिफोर. थैंक यू सो मच. Yes, it's my new hairstyle and I'm really hoping and I'm sure that you people are liking it. Yeah. You know, वो थोड़ी मजबूरी थी and accidents होते हैं. So it was completely a coincident कि ऐसा accident हो गया है and इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा. क्योंकि इतने like it was not L3 L4 by the way, it is L4 L5. एंड मुझे बहुत ज़्यादा इंजुरी हो गई है जिसके वजह से वहाँ पे रह के ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती थी. सो इसीलिए मुझे आना पड़ा बाहर.
Veera. Thank you so much, Veera. Hi, Devolina Fengol. Okay. Oh, is it Sonidhi? Let's see how it goes. It's okay. By the way, thank you for seeing me live, Nidhi. I'm not Romanian. Okay. Madhusmita, thank you. Hi. Hi, Himanshi. Hi, Harpreet. Hi, Crystal. Fan from Dehradun. Sonali. Hi. OMG. Pyari Dastan. Hi. Shake, lots of love. Thank you so much. Banani, how are you? I'm fine. Thank you so much. Doing good. How are you? I'm fine. How about you guys? Oh, you know, it's okay. There are a lot of people inside there, and I'm sure they are entertaining you all as well. Official Shivam Saklani. But anyway, coming here, seeing me live. Thank you so much. Gratitude. Thank you so much, Rich with Thoughts. It's amazing, your journey. Thank you so much. Thank you. Passionate, you have to be more strong. You look fab with Sid. Okay, I didn't expect this, honestly. Guys, that you will appreciate so much. Jo bhi humare beech mein, mere aur Sid ke beech mein hua, I never thought of it ki aisa ho sakta hai. After coming out, I realized ki aisa ho gaya hai. But thank you for all your love. I appreciate it. Veera, you have to stop this, okay? You have to stop this, Sidlina. Theek hai? It was just fun. It was, you were just having fun. And I honestly didn't know that you guys also had fun. Thank you everyone. Devoshmi. Of course, you can call me Devoshmi because yes, I feel we are great friends. We share a very good bond, me and Rashmi. And I really wish ki is waqt jis phase se wo guzar rahi hain, usme se strongly wo nikal ke aaye and apni ek achhi journey shuru kare. Oh, Gaurav. Oh, Shagufta. Seriously, but anyway, thank you. I'll take care of that. Thank you so much, Shagufta. Right now, I'm completely single, princess. Rishi. No, which is as if like I said ki aggression hi aggression ko kaatta hai, but it doesn't mean ki maine meant kiya tha. It's something like few things are there jo kabhi kabha nahi ho sakta, but still I'm sure that me and Siddharth can be very good friends, and initially we were, there was some misunderstandings jo like you know bahut zyada मतलब उनके तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, मेरे तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे जो हमने कभी क्लियर नहीं किए, इसलिए शायद. बट या अभी आने से पहले व्हेन आई वाज नॉट वेल, ही रियली टुक केयर ऑफ मी ऑनेस्टली. एंड इवन आई फेल्ट कि जैसे मैंने कहा भी है इंटरव्यूज में भी दिए हैं एक कि दो ही इज अग्रेसिव बट स्टिल उनका दिल अच्छा है. Hi, Plezlo. Hi, Ahmed. Devoshmi, miss that bond. I know, even I miss Rashmiya. Thank you, Sunil. Let's not talk about that, Sonali. ये मैं अंदर जाने के बाद बताऊंगी वर्सोला. बेटा ना जो भी बताना है सामने बताओ. अभी क्यों बताना? हाय, हिंदुस्तानी भाव बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं इनफैक्ट. बट कहीं ना कहीं मुझे उनको लेके लगता था कि वो सामने आने से ना कतराते थे, लाइक जैसे वो हैं उनको शायद थोड़ा ऐसा होता था कि यू नो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या घर वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे. सो ही ट्राइड टू मेंटेन दैट व्हिच वाज गुड,
बट बींग अ रियलिटी शो, ये रियलिटी शो है तो वहां पे आप एग्जैक्टली कैसे हो वैसे अगर आप नहीं दिखाओगे, और हर एक चीज कैमरे के लिए नहीं होती है. अगर आप ये सोच के, इवन आई पर्सनली फेल्ट कि मैं कभी ये सोच के अंदर नहीं थी कि मेरे चारों तरफ 150 कैमरेज हैं और मुझे कैमरे के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, और शायद मुझे इसी चीज से कुछ लोगों से तकलीफ भी है कि लोग सिर्फ कैमरे के लिए करते हैं, जो असल में है वो दिखाते नहीं है. हाय इरफान, बहुत जल्दी वंस आई फील कंप्लीटली फाइन एंड डॉक्टर परमिट्स मी टू गो इनसाइड द हाउस आई विल गो. ज्योति राठौर सीट के साथ आप अच्छे रहना. डेफिनेटली मैं उनके साथ अच्छी ही रहती हूँ, अनलेस जब तक वो ऐसा कुछ बोल नहीं देते जिससे हमें बुरा लग जाता है. बट या उनके अंदर भी मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं विच इज गुड इनफ, एंड आई एम श्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ही रहें. हाँ ना किया ना सिद्ध को, मैं सभी सिद्ध थे भी नहीं एक हफ्ता तो तभी उनको देखा भी नहीं अच्छे से. एंड बट आई नो आज वो वापस आ रहे हैं सो वी कैन सी हिम अगेन. सिद्धार्थ अभी इसके बारे में मैं क्या बताऊं, सिबलिना के बारे में आप लोग ही बता सकते हो, मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी इसके बारे में. रश्मि इज माय फ्रेंड सो उनके साथ तो मुझे रहना ही है, बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन माय गेम्स डेफिनेटली. टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू फील अबाउट विकास, लाइक विकास आप सबको कैसे लग रहे हैं? हालांकि घर वालों को अभी भी पता नहीं है, वो मेरे प्रॉक्सी बन के गए हैं, क्योंकि अगर जिस दिन को पता चलेगा बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है सबको वहां पे घर के अंदर, और जो उनको फर्स्ट कैप्टन बनाया है सो वंस दे कम टू नो कि वो मेरे बिहाफ में वहां पे जाके प्ले कर रहे हैं और फिर वो कैप्टन बने हैं सो उसका मजा कुछ अलग ही होगा. आप लोग बताइए विकास आपको कैसा लग रहा है? विकास इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड एंड वो बहुत अच्छे हैं, बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे चीजों को टैकल करना है, डील करना है, लोगों के साथ किस तरीके से रहना है. सो ही इज डेफिनेटली ऑसम. थैंक यू. बिल्कुल प्रदीप, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी इस बात का. थैंक यू श्वेता, या थैंक यू सो मच एवरीवन. ओएमजी यम्मी राइट, या एग्जैक्टली. थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉली. रोहित क्या बोलूं आपको, आई लव यू टू अर्चिता, आई लव यू ऑल. आई थॉट कि आप सबके पास बहुत सारे आज सवाल होंगे जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, बट आप आई नो यू ऑल आर क्यूरियस टू सी मी अगेन इन बिग बॉस हाउस, बट जिसका जवाब मैं दे चुकी हूं. देवोली ना अपनी घरत आसे निकी? येस अरुण, मैं घरते आसो एटिया बर्तमान, मोर ट्रीटमेंट सोली आसे एंड जेटाई मैं सम्पूर्ण रूपे भाल पाम आल जस्ट गेट बैक. चौधरी करण, थैंक यू सो मच चौधरी. वैशो, ऑफकोर्स हर किसी ने रश्मि को समझाया है, जैसे आप सबने एपिसोड्स में देखा वैसे मैंने भी देखा है, और शायद मैं अंदर रहती तो मुझे भी इन सब बातों का इतना पता नहीं चलता, बट अभी जब भी पता चला है देन या इनफैक्ट आई वांट कि रश्मि अरहान से दूर रहे, इसीलिए नहीं कि बाहर उनके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, बट मेरा पर्सनल मानना यह है कि कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी इंसान अगर आपसे झूठ कहता है, मान लिया कि कभी कभार एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं कि इनिशियल टाइम पे आपसे नहीं कह पाए बिकॉज शायद उनको डर लगता हो, बट
धीरे धीरे इवेंचुअली जब आप एक दूसरे को जान जाते हो और जहां पे आप डिसाइड कर लेते हो कि आगे की जर्नी, आगे का फ्यूचर आपके साथ है, वहां पे अगर कोई इंसान तब तक अगर आपको सच नहीं बोल सके तो मुझे लगता है वो इंसान आपसे कभी भी नहीं सच बोलता है। और उस वक्त अगर आपने फिर से उस इंसान को माफ किया या मौका देते हो तो मुझे लगता है कि वो इंसान आपका फिर से गलत फायदा ही उठाएगा और वो जो झूठ बोलते हैं वो आपके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। दिस इज व्हाट आई फील। तो इसलिए मुझे लगता है कि रश्मि को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो इतने लोग उन्हें उनको समझा रहे हैं, सलमान सर से लेके, कामिया से लेके, हर ब्रदर ऑल्सो, सो येस वंस आई गेट इन साइड द हाउस आई विल ट्राई माई बेस्ट उनको समझाने की। कहीं ना कहीं दिल बहुत सारी चीजें, दिमाग समझाता पर दिल नहीं समझ पाता। बट कभी कभी हम इतने मैच्योर हमें बनना पड़ता है कि जहां पे हम दिल को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख के दिमाग की भी अगर नहीं सुने फिर भी जो बाकी के लोग बोल रहे हैं, स्पेशली सलमान सर बोल रहे हैं, तो उस बात पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कैमन आछो? भालो आछी। थैंक यू सो मच। लव टू ऑल कोलकाता एंड लव टू आसाम एंड लव टू एवरीवन। Veera, get well soon. Thank you, Purnima. Fan from Orissa. Thank you so much. I'm in Mumbai. Raj Purohit. Okay. Big Boss Khabri. Thank you so much, Khabri. Love you all. Kirti. Hi. Arhan, I didn't get you. आपको कुछ पूछना है अरहान के बारे में? पहली बात तो अरहान को मैं जानती नहीं हूँ अच्छे से, बिग बॉस में ही मिली हूँ और वो एक दो हफ्ते ही मिली थे जब वो एलिमिनेट हो गए, और जब मैं बाहर आई बिकॉज ऑफ माई बैक इंजरी उस टाइम पे वो अंदर गए। सो ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, और जितना बस आप लोग जान रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं भी उतना ही जानती हूँ। बस मेरा कहना वही है कि जो इंसान एक रिश्ते में झूठ से शुरुआत करता है वो इंसान उसका अंत भी या जो भी है झूठ ही करता है, वो झूठ का ही सहारा लेता है। सो इवन मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे। इट्स माय बर्थडे सागर शर्मा। ओके, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सागर। सेजल, ओके हाय सेजल, थैंक यू मौसमी, राइट, योर जर्नी हैज बीन इंस्पिरेशनल सो फार। थैंक यू वीरा, थैंक यू सो मच जी। प्लीज मिश्रा लव कुश, ओके थैंक यू, थैंक यू शान। हाय हाय एवरीवन, हेलो, लव फ्रॉम पाकिस्तान। आप आसिम से? आसिम मेरा दोस्त है, ऑफ कोर्स आई कंसिडर हिम एज माय फ्रेंड, एंड स्पेशली मैंने कहा भी है कि घर में अगर एक्चुअली ऑनेस्ट कोई दोस्त अगर वो आपको समझे, क्योंकि यू नो 24 घंटा इतने वक्त तक 13 लोग जब एक साथ अनजान लोग रहते हैं तो वहां पे हर किसी के साथ एक ट्रस्ट इश्यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं हर किसी। बट आई पर्सनली फील कि उसके बावजूद भी अगर आसिम आपकी दोस्ती को समझता है, सो आसिम आई पर्सनली फील इज अ वेरी गुड फ्रेंड, कैन बी इनफैक्ट अ वेरी गुड फ्रेंड। जिन वालों को हेलो करो प्लीज, सारे उज्जैन वाले को तहे दिल से हेलो। जॉर्जिया, ओ सो स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू शगुन, थैंक यू सो मच। हाय जूनियर देवोलीना, जी हाँ अरहान को मतलब उन्होंने क्या समझाऊंगी, रश्मि को समझाने की कोशिश जरूर करूंगी, एंड बिग बॉस के घर पे तो चाटा नहीं मार सकती, एलिमिनेट कर देंगे मुझे। ऑफ कोर्स आई नो एसएमईज अंकुर, मैं अहमते डांगरी हल हुआ, सो डेफिनेटली मैं मोर ग्रेजुएशन अहमर पुरा करा, सो डेफिनेटली आई नो एसएमईज, आई नो बेंगली। ओ ये श्रुति न्यू हेकट, यस श्रुति बहुत ही जल्द, बस वही सोच रही हूँ कि डॉक्टर बस जल्दी से मुझे परमिशन दे दे सो दैट मैं जल्दी से घर जा सकूं। दिव्या राज, ओके या आई अग्री समहाउ ही इज अग्रेसिव लाइक सिद्धार्थ, बट ही इज नॉट डिस्गस्टिंग,
डेफिनेटली वो हर किसी का सी हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक घंटा देखते हैं पर 24 घंटा एक साथ 13 लोग जब अलग अलग लोग रहते हैं तो हर किसी की चीजें हर किसी की बातें हम बाहर भले ही रह के जज कर लेते हैं पर समझना बहुत अलग हो जाता है अंदर. सो आई कांट से एनीवन यू नो कोई डिसगस्टिंग है. हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका अलग हो सकता है, इमोशंस बयां करने का तरीका अलग हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो वो इंसान उस वक्त किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है. नो हलीन के हरी, आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी से भी कभी भी जेलस करने की मुझे जरूरत पड़ी एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट. थैंक यू सो मच. आई थैंक टू माय गॉड एंड आई थैंक टू माय फैंस. इनफैक्ट द फैक्ट इज आई एम सो प्राउड ऑफ माय फैंस कि मेरे जो 100 फैंस भी हैं मैं उन 100 फैंस के साथ इतनी खुश हूं एंड आई एम सो कंटेंट विद दैट हैप्पी बिकॉज यू नो दीज आर माई रियल स्ट्रेंथ, दीज आर माई रियल फैंस. मुझे इन्हें इम्प्रेस करने के लिए या उन्हें मेरा फैन बनने के लिए मुझे वो एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी. दे लाइक मी द वे आई एम एंड दे लव मी द वे आई एम. सो यू नो मुझे इसके लिए कोई भी चीज किसी के लिए फील करने के लिए एंड ऑफकोर्स हु आर क्लोज टू मी दे नो मी सो इट्स ओके. Love you too. To see again. Sure. Just pray for me कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और जल्दी से वापस आ जाऊं. Paras, okay. Paras, I consider him a really good friend. इसके लिए शायद जब भी हमारा first वो delivery वाला task भी हुआ था, I chose him over like Siddharth and Asim. मुझे ऐसा लगता था वो बहुत अच्छा दोस्त है. बट अभी जितने भी मैं उसकी हरकतें देख रही हूँ और उसके बाद भी, क्योंकि मैं तभी भी पारस के साथ हम लोग सिर्फ टास्क के टाइम पे ही मैं इन्वॉल्व होती थी. नॉर्मली मैं उनके साथ बैठ के इतना ज्यादा बातें नहीं करती थी तो मुझे उनके थॉट प्रोसेस नहीं पता चलते थे पारस के, कभी ना पता चला था उस वक्त. बट धीरे धीरे अभी जब सेकेंड री एंट्री के बाद धीरे धीरे जब पारस के थॉट प्रोसेस को हम लोग मैं जानने लगी और वो जब मुझसे डिस्कस करने लगा चीजें तो मुझे रियलाइज हुआ मे बी ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज गेन. बट अगेन उसका ट्रैक और मेरा ट्रैक बहुत ही अलग है. पारस जिस तरीके से सोचते हैं मैं वैसे नहीं सोच सकती. मैं ऑनेस्टली हर एक इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है तो आई डोंट थिंक कि वो क्वालिटी मेरे अंदर है या मुझे चाहिए भी नहीं वैसी क्वालिटी जो पारस के अंदर है. सो या आई फील कि वो अच्छे दोस्त भी नहीं है. इनफैक्ट I know because he's playing super good. जी बिल्कुल. रश्मि से दोस्ती कभी मत तोड़ना. श्योर. आवाज सुनकर थैंक यू नरेश. थैंक यू सो मच. हाय गाइस, सम नेटवर्क इशू सो मुझे एंड करना पड़ा. बट अगेन आई एम हियर. How are you? Hi Veera, I'm back too. Hello. Hello everyone. Kartik, hi. OMG Kanishka. My favorite corner in Big Boss, swimming pool. Hi Preeti, Pritinder. Hi, hello. Yes, I'm still at home and recovering is like, you know, it's doing good. Ki bolbo Riya, tumi bolo to ami bolbo. Yes, definitely. Nesh, as soon as I get well soon, I'll go back. Bahut jaldi hi Adija Khar, abhi treatment is on. So, जैसे ही डॉक्टर्स बोल देंगे मैं जाने के लिए रेडी हूँ. मैं चली जाऊंगी.
थैंक यू सो मच वीरा, एंड आई नो दैट यू ऑल लव मी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट दैट आई हैव ऑल ऑफ यू ट्रस्ट मी एंड यू नो दैट आई लव यू टू एलेक्जेंड्रा एंड आई लव एवरी वन आई लव ऑल ऑफ यू बिल्कुल सरोगी चीनी सरोगी ओके या ओएमजी डेफिनेटली आज मजा आएगा स्टेफनिया हाउ स्वीट आई एम डूइंग गुड आई एम फाइन केशव आई रियली होप सार्दिक रश्मि लिसन्स टू मी आई लेट्स सी this hoping for the best bilkul bilkul aap sab log itna jo pray kar rahe ho itna jo pyar barsate ho bas aap barsa ke mujhe bigad rahe ho mujhe lagta hai main bahut jaldi abhi theek ho jaungi thank you sana thank you so much थैंक यू रंजीत अमित ओ सो स्वीट थैंक यू सहानी फिर डेफिनेटली आई स्टार्ट माई मेकअप ट्यूटोरियल सून एंड अभी अगर बिग बॉस हाउस में मैं जल्दी जाती हूँ आई ट्राई to do to start the tutorial there itself and bahut jaldi mere tutorials main share karungi aap sabke sath how sweet Radil definitely I'll convey your message Manish Singh PB08 hi तुषार सिद्धार्थ के बारे में तो इतनी बार बोल चुकी हूँ इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ बट स्टिल अगेन आई एम रिपीटिंग लाइक सिद्धार्थ दिल का अच्छा है बट उनका जो अग्रेशन है उनका जो टेम्पर है बेसिकली इट्स नॉट अबाउट अग्रेशन स्पेशली द टेम्पर जो उनमें है कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत वक्त ऐसा होता है कि उनके टेम्पर की वजह से बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है सो यस माहिरा का तो मैं नहीं बता सकती बट यस ऑफकोर्स पारस पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि माहिरा पारस से इन्फ्लुएंस होती है वरना वो लड़की स्वीट है ओके सो लेट मी टेल यू गाइज ये 100 ट्रीज पहले तो आपको मैं सर्टिफिकेट्स दिखाती हूँ सर्टिफिकेट्स दिस इज लाइक कावेरी शुरा फ्रॉम लाइक सदगुरु उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ये उनके सर्टिफिकेट्स हैं और यहाँ पे 100 लाइक ईच सर्टिफिकेट में यहाँ पे 100 ट्रीज डोनेट हुए हैं आई विल रीड आउट द नेम्स जिन्होंने ये किया है सो 100 ट्रीज डोनेशन लाइक वीरा 15 ट्रीज धीरी 10 ट्रीज सागर संगम 6, पायल 6, अर्चना 3, आकाश 3, कृतिका 2, प्रगति 3, नम्रता 12, कलिंदी 4, अर्पिता सैकिया 2, अर्पिता 3, गायत्री 3, साहिल 2, ऐश 4, पीकू 3, अलमा 2, अनमोल 2, रिंपक 2, दीक्षा 1, कमल 1, राज 1, बिकी 3, रोहन 3, गौर 2, ऋत्विक 2. ओ जी नाउ दिस इज और आई से कि अगर मेरे सिर्फ ये 10-20 भी अगर फैंस हैं आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड बिकॉज दिस इज वॉट वन कैन अर्न एक्चुअली जो मैंने मुझे लगता है कि मैंने कमाया है दिस इज लाइक ट्रू विच आई फील कि आपके बिहाफ में अगर कोई इतना अच्छा कर सकता है देन आई रियली फील एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू आई अप्रिशिएट इट कि आप सब ने ये सोचा कि आप मेरे बिहाफ में
ये इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, विच रियली मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो 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 मच ऑल ऑफ यू फॉर दिस लव. ये प्यार यू नो एक और भी रीजन है इस प्यार को इतना सराहने के लिए, बिकॉज दिस इज सेल्फलेस. आज के दुनिया में ये सेल्फलेस प्यार मिलना बहुत मुश्किल है. हर कोई इंसान इधर यू नो कोई अपने सेल्फ मोटिव या कुछ ना कुछ रिटर्न में पाने के लिए करते हैं, बट आप लोग जो प्यार देते हैं मुझे इट इज कम्प्लीटली सेल्फलेस एंड ट्रस्ट मी थैंक यू सो मच फॉर दिस. अगेन वन मोर थिंग, दिस इज फ्रॉम लाइक क्राई ये सर्टिफिकेट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एज वेल वीरा. इट रियली मीन्स अ लॉट. एंड ऐसी जो आप लोग जो खुशियां देते हो ना, इन सारी मतलब खुशियों से ही मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ अच्छा करना है, और कुछ बड़ा करना है, और कुछ ऐसा करना है जिससे आप सब जो उम्मीद रखते हो मुझसे उस उम्मीदों पे और ज्यादा खड़ी उतर सको. OMG देवोलीना फैन गर्ल, लव यू डार्लिंग. Sure, Himakshi. I'll come back soon. Sure, yeah. Hi. I'm fine. Chheda Lal Sahu, okay. Hi, Fawad Khan. Oh, that's so obsessed with that. I can say it. That's okay. Obsession is good. That cricket guy, Mayank. That's what I like. Thank you so much. Hi, Pooja. A lot of love to Assam, to everyone. Of course, मेरे जितने भी fans हैं across the India world, सबके लिए मेरे दिल में उतना ही प्यार है. But somehow, definitely, मैं पैदा असम में हुई हूँ. लाइक मेरी पूरी फैमिली है, पली बड़ी वहाँ पे, मेरे एजुकेशन वहाँ पे हुए हैं. डेफिनेटली एक प्लीज 2% 5% चलो मेरा जो थोड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा है असम के लोगों के साथ. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज. थैंक यू सो 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 मच. आचल, थैंक यू सो मच आचल. OMG रजत Rich Foods Kettle Soon. Thank you so much. Thank you. Hi, hi everyone. Hi Vindhya, Vindhya Tiwari. Hello. Hi, Devolina Nazim Forever from Mania Devo. Okay, hi. Hema Bhati. I'm sure. As soon as I get back in the house, I'll start doing my task again. My favorite color. I love colors, basically all the colors except the black. I don't like black. Ami bhalo achi Shivam. Thank you so much. Yes, Muni. I'm strong. I have faced a lot in my life and still I stand strong every time I face something difficult. I feel ki jab bhi koi difficulty aati hai tabhi aap strong ban sakte ho. And now I think isliye shayad maine itni difficulties itne struggles maine face kiye hain apne life mein taki main strong ban sakun. So thank you so much. Bahut jaldi Yeah, I don't trust Paris at all. But Mahira bhi influence ho gayi hai Paris se. Otherwise, she is a nice girl and cute also. Hi, Shilpa. Sarthak. Yeah, Siv is good. Hi. Biggest love from Georgia. Thank you so much. Nandini, hi Nandini. How's the injury? It's recovering and I'm sure bahut jaldi theek ho jayega. Pehle se kafi theek hai. Almost
ठीक हो चुका है, सो बस एक बार डॉक्टर बोल दे कि आप दौड़ भाग सकती हो, फिर से टास्क कर सकती हो, दैट्स इट, आई एम वेटिंग फॉर. हे हाय हाय एवरीवन. My mom is fine. I lost my father when I was 11 years old and passed away due to some heart issues, and rest everything is fine. Yes, Veera, I am strong, and who knows better than all of you, like, how strong I have stood for everything. Hi, Nandini. Sure, definitely. Thank you, Archu. Jayanti, thank you so much. Okay, Ashish, आपका मैसेज मैं जरूर पहुंचा दूंगी. ज्योति स्मिता, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो सिचुएशन अभी असम में है, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे स्टेट पे सिचुएशन चल रहा है, सो विच आई वुड से कि आई एम वेरी क्लोज टू असम बेसिकली, तो उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि वायलेंस कोई भी करे गलत है, वो भले हम करें या गवर्नमेंट करे, पुलिस करे, कोई भी करे, वायलेंस गलत है. आपको अगर प्रोटेस्ट भी करना है सो प्रोटेस्ट भी इस तरीके से करिए कि आपकी आवाज सुने, ना कि आपको गलत ठहराया जाए, यू नो. सो आप मत गलत बनो. मैं इतना कहना चाहूंगी कि बहुत क्रूशियल है ये मूवमेंट, ये स्टेज हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, और हम सबको साथ में रहना बहुत जरूरी है. पर साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी कुछ गलत करो, सही तरीके से भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई फील. रेस्ट, आई रियली वांट यू गाइस टू बी सेफ. सेफ रहिए. और जितने इतने वर्षों से हम सब असम में इतने प्यार से रहे हैं, मिलजुल के रहे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही हम मिलजुल के आगे भी रहे और शांति बनाए रखे. दिस इज व्हाट आई फील. रुतिशा, हाय. थैंक यू करण गोयल, थैंक यू सो मच. या थैंक यू सादिक. ओएमजी बेनीपाल, बिग बॉस लवर खबरी. ओके, आई विल फॉलो यू. एक शर्त पे आप सबको बोल दो कि कोई फिर मुझे नहीं बोले कि मैंने आपको फॉलो किया, बाकी किसी को फॉलो नहीं किया है, नहीं तो मेरा पूरा इनबॉक्स और डीएम भर जाते हैं, और जो मेरे एक्चुअली जरूरी मैसेज होते हैं वो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ. फिजी गर्ल, ओके. एनीवे, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगी, मुझे घर के अंदर जाने दीजिए, फिर बताती हूँ. थैंक यू सो मच. कलिंदी পৰিণীতা, মই অলপ আগতে অসম হৈ অলৰেডি মই কৈছোৱে, মই টুইটাৰতো টুইট কৰিছিলোঁ, চ' ইমানেই কম, প্লিজ বি ছেফ. যিটো চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, ভায়লেঞ্চ যোনেই নকৰক, ইটছ নট ৰাইট. আই কেন কমপ্লিটলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইম'শ্যনছ, এণ্ড আই কেন ফিল, যেতিয়া ইভেন ইফ আই টেক, অকল যদি মই ঘৰৰ এক্সাম্পলো লওঁ, আৰু আমাৰ ঘৰত যদি কোনোবাই অশান্তি কৰিবলৈ আহে, আমি নিশ্চয় তেনেকুৱাই কিবা ষ্টেপ ল'ম. বাট এগেইন এট দ্য ছেইম টাইম, এইটো সময়ত কেতিয়াবা হয় ন, ভায়লেঞ্চ কৰোঁতে কৰোঁতে একচুৱেলি যিটো আমাৰ কনচাৰ্ণ থাকে তাৰ পৰা আমি ডাইভাৰ্ট হৈ যাওঁ. চ' বেচিকেলি হোৱাট আই ফিল ইজ কি, যদি আপোনালোকে প্ৰটেষ্টো কৰিছে, প্ৰটেষ্টো এনেকৈ কৰক যাতে আপোনালোক ভুল নেদেখক. দিছ ইজ হোৱাট আই ফিল এবাউট, কি য'ত আমি একেলগে থাকি পেলাই আমাৰ যিটো ৰাইট হয়,
বিনা মতলব বিনা একো ভায়োলেন্স নকৰি আমি আমাৰ অধিকাৰ আমি যাতে ঘূৰাই পাওঁ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাই, আই এম ফ্রম ভিয়েতনাম, আই লাভ ইউ, সি মাই কমেন্টিং, হ্যালো হ্যালো সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ আয়ুষ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ দেবলীনা ডট পারফেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইটস অল দ্য লাভ আই গট ফ্রম অল অফ ইউ, সো ইউ নো ইটস 1 মিলিয়ন, ইটস 1 মিলিয়ন ইনস্টা ফ্যামিলি, ওয়াও ইটস বিগ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ, আই অ্যাপ্রিশিয়েট। बहुत ही जल्द थैंक यू एवरीवन। आई नो रुचा हैज बिकम अ मॉम नाउ एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू वीरा, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आप सबसे कनेक्ट करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव अगेन, ऑल द सपोर्ट और ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, सी यू सून, एंड तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ट्रोल कीजिए, प्यार कीजिए, सब कीजिए, पर अपने लिमिट्स कभी क्रॉस मत कीजिए, दैट्स व्हाट आई विल से, एंड टेक केयर, बाय।